हमारा टॉपिक चल रहा था नेपोलियन बोनापार्ट, जिसके अंतर्गत लास्ट लेक्चर में हमने नेपोलियन बोनापार्ट के कौंसिल के शासन के दरमियान किए गए सुधारों को हमने डिस्कस किया था, जिसमें संविधान का निर्माण, व्यवस्था की स्थापना, प्रशासनिक सुधार, आर्थिक सुधार और लास्ट हमने किया था पोप के साथ समझौता। इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करते हुए उनके सुधारों को देखेंगे, जिसमें नेक्स्ट आता है शिक्षा संबंधी सुधार। नेपोलियन ने देश में शिक्षा के प्रसार के लिए विशेष रूप से प्रयास किया। उसने शिक्षा के कार्य को तीन भागों में विभाजित किया, प्रारंभिक, उच्च माध्यमिक और विश्वविद्यालय। प्रत्येक नगर में प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए गए। शिक्षकों को राज्य की ओर से वेतन दिया जाने लगा। शिल्प और व्यवसाय के विद्यालय भी खोले गए। पेरिस विश्वविद्यालय का पुनर्गठन किया गया। इस विश्वविद्यालय के प्रमुख अधिकारियों तथा प्रोफेसरों की नियुक्ति नेपोलियन स्वयं करता था। देश के सभी उच्च विद्यालयों को इस विश्वविद्यालय के साथ संबंधित किया गया और नेपोलियन ने निर्धन तथा योग्य छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की तथा शोध कार्यों के लिए एक पृथक संस्थान भी स्थापित किया था। नेक्स्ट आता है सुधारों में विधि संहिता। नेपोलियन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य उसका नियम संग्रह अथवा विधि संहिता है। सेंट हेलेना में एक बार नेपोलियन ने कहा था कि मेरा वास्तविक गौरव मेरे 40 युद्धों की विजय में नहीं है, मेरी विधि संहिता ही ऐसी है जो कभी न मिट सकेगी और जो चिरस्थायी सिद्ध होगी। वस्तुतः विधि संहिता का महत्व उसकी सभी विजयों से अधिक है। उसके नियम संग्रह संपूर्ण मानव समाज के लिए सर्वोत्तम उदार कार्य है। क्रांति से पूर्व फ्रांस के विविध प्रांतों में भिन्न भिन्न प्रकार के कानून प्रचलित थे और उनमें किसी प्रकार की समानता न थी। क्रांतिकाल में एक अंतरराज्यीय कानून व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया गया, लेकिन विशेष उसमें सफलता न मिल पाई। नेपोलियन ने इस अधूरे कार्य को पूरा करने का निश्चय किया और क्रांति के पूर्व ही असंख्य कानून और कानून के साथ नए कानूनों की बाढ़। इसलिए इस बात की आवश्यकता थी कि सभी कानूनों की पारस्परिक असंगतियों को दूर करके उन्हें क्रमबद्ध किया जाए और जनता के सामने स्पष्ट, युक्तिसंगत तथा तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया जाए, जिससे न्याय के मामलों में लोगों के दिलों में जो अब तक संदेह और अनिश्चितता फैली हुई थी वह दूर हो जाए और प्रत्येक नागरिक को भी कानूनों की जानकारी हो जाए। इस संहिता को तैयार करने में नेपोलियन ने काफी रुचि ली और इसका ढांचा सामाजिक समानता, धार्मिक सहिष्णुता, व्यक्तिगत संपत्ति और संयुक्त पारिवारिक जीवन के आधार पर खड़ा किया गया था। सिविल मैरिज और तलाक की संस्थाओं को मान्यता देकर इस विधि संहिता ने यूरोप में इस बात को प्रचलित कर दिया कि बिना पादरियों की सहायता के भी समाज का काम चलाया जा सकता है। यह कानून के आधार पर एक धर्मनिरपेक्ष जीवन की परिकल्पना थी। नेपोलियन द्वारा निर्मित नियम विधानों की संख्या 5, जिसमें प्रथम देखें तो नागरिक नियम सिविल कोड, सेकेंड जायदाद संबंधी नियम, थर्ड नागरिक नियम पद्धति, फोर्थ फौजदारी नियम संग्रह और फिफ्थ आता है व्यापारिक नियम संग्रह। नेपोलियन विधि संहिता पर नेपोलियन के व्यक्तिगत विचारों का जबरदस्त प्रभाव। वह पारिवारिक अनुशासन को बहुत महत्व देते थे। उसका मानना था कि पुत्र को पिता की बात और पत्नी को पति की बात अवश्य माननी चाहिए। वह फ्रांस में कड़े पिताओं, आज्ञाकारी पुत्रों और बिना अधिकार वाली परतंत्र स्त्रियों की कल्पना करता था। विधि संहिता में पत्नी और संतानों पर परिवार के स्वामी के अधिकार को और अधिक दृढ़ बनाने का प्रयास किया गया और पत्नी को पूर्णतया पति के नियंत्रण में रखा गया। तलाक पद्धति को बहुत कठिन बना दिया गया और परिवार के स्वामी को यह अधिकार मिला कि वह पारिवारिक संपत्ति को अपनी इच्छा अनुसार किसी को भी दे सके। उसकी यह व्यवस्था क्रांतिकारी प्रवृत्ति के विरुद्ध परंतु रोमन कानूनी व्यवस्था के अधिक नजदीक देखने को मिलती है। इसका मुख्य कारण यह रहा कि उस समय फ्रांस में पारिवारिक अनुशासन छिन्न भिन्न हो चुका था और समाज में अनैतिकता बढ़ चुकी थी, जिसे रोकना बहुत आवश्यक था। लेकिन विवाह पद्धति में सुधार करके नेपोलियन ने एक नए मार्ग का पथ प्रदर्शन अवश्य किया था। नेपोलियन की विधि संहिता में व्यक्तिगत संपत्ति के सिद्धांत को मान्यता दी गई और भूमि पर स्वामी के अधिकार को इतना ठोस बनाया गया कि जितना पुरातन व्यवस्था में भी नहीं था।
किसानों को भूमि छीन जाने का जो भय था वह हमेशा के लिए जाता रहा और इसलिए वे नेपोलियन के जबरदस्त समर्थक बन गए। विधि संहिता में पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था को भी पर्याप्त संरक्षण दिया गया और इसके लिए ठेका ऋण यानी लिंच ऋण लीज तथा स्टॉक कंपनियों से संबंधित अनेक धाराओं का निर्माण किया गया। इस विधि संहिता से मजदूरों की बढ़ती हुई शक्ति पर अंकुश लगा दिए गए। ट्रेड यूनियन बनाना कानूनी अपराध बना दिया गया। मालिक मजदूरों के आपसी संघर्ष में उदारता को यह कानून आदेश था कि अदालतों को यह कानूनी आदेश था कि वे मजदूरों की अपेक्षा मालिकों की बातों को अधिक महत्व दें। यह समानता के सिद्धांत का उपहास था, इसलिए प्राय ये कहा जाता है कि नेपोलियन की विधि संहिता पूंजीवादी शोषण व्यवस्था की आधारशिला थी और बुर्जुआ क्रांति का चरम विकास। फ्रांस की क्रांति में मध्यम वर्ग का सर्वाधिक योग रहा तथा क्रांति का सबसे अधिक लाभ भी इसी वर्ग को मिला। नेपोलियन की विधि संहिता ने इन लाभों को एकत्र करके उन्हें सदा सर्वदा के लिए कानूनी आधार दिया। पामर के मतानुसार क्रांति से लाभ उठाने वाले अपने को सुरक्षित अनुभव करने लगे। फ्रांस कृषक प्रजातंत्र और बुर्जुआ वर्ग का स्वर्ग बन गया था। ऐतिहासिक दृष्टि से भी सामंतवाद के बाद क्रमिक विकास की दूसरी मंजिल पूंजीवादी है। इतिहासकार हेज का मत है कि उसकी विधि संहिता अत्यधिक महत्वपूर्ण नियमों की सरलता और कोमलता के कारण न केवल उनको फ्रांस में ही लागू किया गया अपितु यूरोपीय महाद्वीप के अधिकांश देशों में भी लागू किया गया और बोनापार्ट को नया जस्टिनियन ठीक ही कहा गया है। एक अन्य इतिहासकार डेविड थॉम्सन ने लिखा है, उसका सबसे बड़ा ध्येय फ्रांस का पुनर्निर्माण था, जिसने नेपोलियन के 18वीं शताब्दी के प्रबुद्ध शासकों में सबसे अधिक महान कहलाने का सबल अधिकार प्रदान कर दिया। निस्संदेह विधि संहिता नेपोलियन की एक स्थायी कीर्ति है। नेपोलियन बोनापार्ट की विदेश नीति को देखें तो कौंसल बनते ही नेपोलियन को फ्रांस के नए शत्रु संघ से निपटना, इसमें इंग्लैंड ऑस्ट्रिया और रूस सम्मिलित। रूस की अपने मित्रों से अनबन और वह संघ से अलग हो गई। इस समय ऑस्ट्रिया की एक सेना राइन के किनारे पर स्थित और दूसरी इटली पे। हुआ यह था कि नेपोलियन मिस्र अभियान पर गया हुआ था तो उस समय ऑस्ट्रियाई सेना ने फ्रांसीसी सेनापति मेसिना को पराजित किया, जिनेवा में शरण लेने पर विवश कर दिया और बाद में उसने जिनेवा की घेराबंदी कर दी। इस समय मेसिना की स्थिति दयनीय। नेपोलियन ने एक अत्यधिक जोखिमपूर्ण योजना बनाई। उसने ऑस्ट्रियाई सेना तथा उसके देश के बीच में घुसकर पीछे से आक्रमण करने का निश्चय किया। इसके लिए उसे विशाल सेना बर्फीले आल्पस पर्वत को लांघना पड़ा और यह काम केवल एक सप्ताह में पूरा कर दिया गया। सारा संसार इसके इस वीर कार्य से आश्चर्यचकित हो गया और 14 जून 1800 ईस्वी के दिन उसने इटली स्थित ऑस्ट्रियाई सेना को पराजित कर दिया। ऑस्ट्रियाई सेना को युद्ध विराम संधि के लिए विवश होना पड़ा और मिसियो तक का उत्तरी इटली का संपूर्ण भूभाग फ्रांस को सौंपना पड़ा। राइन के किनारे स्थित ऑस्ट्रियाई सेना से निपटने के लिए नेपोलियन ने अपने एक वीर सेनानायक मोरू को पहले से ही भेज दिया। 6 मास के उपरांत जर्मनी में होहेनलिंडेन नामक स्थान पर लड़े गए युद्ध में मोरू ने ऑस्ट्रियाई सेना को पराजित किया। फलस्वरूप 9 फरवरी 1801 को ऑस्ट्रिया ने लुनवेले की संधि कर ली और इसकी शर्तें कैंपोफोमिया की संधि के समान ही थी। अब बचा केवल इंग्लैंड, उससे निपटना बहुत कठिन। दोनों देशों के मध्य लंबे समय तक संघर्ष चले आ रहे थे और संघर्ष काल में इंग्लैंड ने फ्रांसीसी बेड़े को कई कई बार पराजित किया था और उसके मित्र राज्य स्पेन हॉलैंड आदि के कुछ उपनिवेशों को भी जीत लिया। अंत में दोनों पक्षों ने थक कर 1802 मार्च में अमीन्स की संधि कर ली। अमीन्स की संधि के अनुसार इंग्लैंड ने फ्रांसीसी गणतंत्र को मान्यता दे दी और उसने फ्रांस के सब उपनिवेश लौटा दिए। लंका और ट्रिनिडाड के अलावा स्पेन और हॉलैंड के सभी उपनिवेश भी वापस कर दिए गए। इंग्लैंड ने माल्टा और मिस्र से अपनी सेनाएं हटा लेने का आश्वासन दिया और इस प्रकार बीते 10 वर्षों के बाद यूरोप को युद्ध से मुक्ति मिल पाई।
परंतु ये शांति स्थायी न रह पाई। केवल एक वर्ष बाद ही संघर्ष पुनः प्रारंभ होने वाला था। नेपोलियन ने संधि के तुरंत बाद अगले संघर्ष की तैयारी शुरू कर दी। उसने फ्रांस के बंदरगाहों तथा गोदियों को विकसित किया, नए जहाज बने, उन्हें मॉरिशस और मादागास्कर की और भारत के रास्ते भेजा गया। उधर इंग्लैंड भी पूरी तरह से चौकन्ना। लॉर्ड कॉर्नवालिस तथा नेल्सन ने अगले संघर्ष की तैयारी शुरू कर ली। माल्टा के प्रश्न को लेकर दोनों पक्षों में पुनर्संघर्ष, जो पूर्व से अधिक भयानक सिद्ध हुआ, वाटरलूम के युद्ध तक जारी रहा। संधि के अनुसार इंग्लैंड को माल्टा द्वीप खाली करना था। इंग्लैंड छोड़ने को तैयार नहीं। 1803 ईस्वी दोनों देशों के बीच कूटनीतिज्ञ संबंध समाप्त, युद्ध प्रारंभ। परंतु नेपोलियन को इंग्लैंड के विरुद्ध सफलता न मिली। इसके विपरीत फ्रांस तथा स्पेन के जहाजी बेड़ों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कार्दुदाल षड्यंत्र। इस समय फ्रांस में राजतंत्र के समर्थक पुनः सक्रिय हो चुके थे। उनमें से कुछ साहसी लोगों ने नेपोलियन को समाप्त करने का षड्यंत्र रचा। मारेगो के युद्ध के थोड़े दिनों बाद ही नेपोलियन पर अचानक धावा बोल दिया गया। नेपोलियन के बहुत से सैनिक मारे गए, परंतु वह स्वयं बच निकला। इसके कुछ समय बाद लंदन में इससे भी खतरनाक षड्यंत्र। धे लुई सोलवे के भाई आंतवा के काउंट को पुनः राजा बनाना। मुख्य नेता थे षड्यंत्र के जॉर्ज कार्दुदाल और पिशेगो। कार्दुदाल और उसके साथियों को गिरफ्तार करके गोली से उड़ा दिया गया और पिशे गुरु कारावास में ही मर गया। इस घटना से नेपोलियन के मन में सम्राट बनने की महत्वाकांक्षा जाग उठी और उसने पुनः ढोंग रचाया। सर्वप्रथम ट्यूबनेट में प्रजातंत्र को समाप्त करने तथा नेपोलियन को सम्राट बनाने का प्रस्ताव रखा गया। इसके बाद सेनेट ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए उसे सम्राट घोषित कर दिया और सेनेट की घोषणा में कहा गया, यह परिवर्तन फ्रांसीसी जनता के हितों को ध्यान में रखकर किया गया है। इसके बाद इस प्रस्ताव को जनमत के लिए जनता के सामने रखा। 35 लाख मतों के बहुमत से जनता ने नेपोलियन को सम्राट बनाना स्वीकार कर लिया, क्योंकि फ्रांसीसियों को राजतंत्र अब भी पसंद था। परंतु नेपोलियन ने पुरानी परंपरा के अनुसार पोप के हाथों से राजमुकुट नहीं पहना, अपितु स्वयं अपने हाथों से अपने सिर पर रखा। यद्यपि पोप स्वयं उपस्थित था, उसका कहना था, मुझे फ्रांस का राजमुकुट धरती पर पड़ा मिला और तलवार की नोक से मैंने उसे उठा लिया। इस प्रकार फ्रांस में एक बार फिर राजतंत्र कायम, राजतंत्र जिसको उखाड़ फेंकने के लिए महान क्रांति हुई थी। अब यहां प्रश्न ये आता है कि नेपोलियन को सम्राट बनाना क्यों फ्रांसीसी जनता ने स्वीकारा? गणतंत्र का गला क्यों घोटा गया? तो उसके पीछे कुछ कारण है। पहला, नेपोलियन द्वारा प्रदत्त सामाजिक समानता। दूसरा, उसकी सफल धार्मिक नीति। तीसरा, उसका योग्य शासन प्रबंध। चौथा, उसकी शानदार विजय। और पांचवा, उसका स्वयं का प्रभावशाली व्यक्तित्व। दो दिसंबर 1804 ईस्वी को नेपोलियन बोनापार्ट का धमधूम से हुआ राज्याभिषेक और उसके शासनकाल को कहा जाता है प्रथम साम्राज्य। सम्राट नेपोलियन 1804 से 14 ईस्वी तक वे शासन सम्राट के रूप में उन्होंने किया। इस 10 वर्ष के शासन काल को वर्षों के इतिहास में नेपोलियन का युग के नाम से संबोधित किया जाता है। और नेपोलियन बोनापार्ट के इस 10 वर्षों के शासनकाल ने उन्हें विश्व के 3 महान विजेताओं की गणना में ला खड़ा किया, जिसमें नाम आता है सिकंदर, सीजर और शालबन। यूरोप की प्रभुता का प्रयास नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। वह जब सम्राट बना तो वो यूरोप के ऊपर अपनी प्रभुता स्थापित करना चाहता था। फ्रांस की राज्य क्रांति ने यूरोप के सभी देशों को चिंतित कर रखा था।
फ्रांस के विरुद्ध गुट बनाकर संघर्ष भी किए, परंतु नेपोलियन ने इंग्लैंड के अलावा अन्य देशों को समय समय पर पराजित कर शत्रु गुटों का अंत ही कर दिया। जब इंग्लैंड ने अमिंस की संधि के अनुसार माल्टा द्वीप खाली करने से इनकार कर दिया तो नेपोलियन ने इंग्लैंड के विरुद्ध पुनः युद्ध छेड़ा और इंग्लैंड ने फ्रांस के विरुद्ध तीसरी बार गुट बनाया। इस तीसरे गुट में शामिल थे इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, रूस और स्वीडन। नेपोलियन ने जर्मनी में इंग्लैंड के छोटे से राज्य हैनोवर पर आक्रमण कर जीता। 1805 में इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य सुप्रसिद्ध ट्राइफलगर का जल युद्ध लड़ा गया, जिसमें अंग्रेज जलसेना नायक नेल्सन ने फ्रांस और स्पेन के संयुक्त जहाजी बेड़े को नष्ट कर दिया है। इस भयंकर युद्ध में नेल्सन भी मारा गया। नेपोलियन ने इस पराजय का बदला स्थल युद्धों में लिया और नेपोलियन ने अपनी विशाल सेना को दो भागों में विभाजित किया। एक सेना को सीधा ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करने का काम सौंपा गया, जिसका सेना नायक था मार्क। ऑस्ट्रिया का सेना नायक था मार्क 80,000 सैनिकों के साथ उल्म नामक स्थान पर डटा। नेपोलियन की दूसरी सेना ने 500 मील का लंबा रास्ता चक्कर लगाया और जर्मनी को पार कर उत्तर दक्षिण की ओर से ऑस्ट्रिया की सेना को पीछे से दबोच लिया। उल्म के इस युद्ध में बिना अधिक रक्तपात के ऑस्ट्रिया के 60,000 सैनिकों और 30 जनरल बंदी बना लिए गए और 120 तोपों पर अधिकार। इस सफलता ने फ्रांसीसी सेना के लिए राजधानी वियना का मार्ग खोल दिया और 3 सप्ताह के बाद एक विजेता के रूप में नेपोलियन वियना में प्रवेश करता है। ऑस्ट्रियन सम्राट पहले ही राजधानी छोड़ भाग चुका है। रूसी सेना से संपर्क कायम किया। 2 दिसंबर 1805 को ऑस्टरलिच का युद्ध, जिसमें नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया और रूस की संयुक्त सेनाओं को पराजित कर दिया। ऑस्ट्रिया को पुनः फ्रांस से परस्पर की संधि कर लेनी पड़ी और इस संधि से ऑस्ट्रिया को बहुत बड़ा अपमान सहन करना पड़ा। वेनेशिया, डेलमेशिया तथा बेवेरिया और टायरोल के बैडन की बर्टेम्बर्ग के कुछ क्षेत्र भी इसे सौंपने पड़े फ्रांस को। नेपोलियन राजाओं का निर्माता बन गया। 1806 ईस्वी में उसने राजाओं की सृष्टि की। बेवेरिया और बैटरबर्ग में जो अब तक ठिकाने मात्र थे, जागीरदारों के राजा पद दिए गए। नेपल्स के रिक्त सिंहासन पर उसने अपने भाई जोजेफ को बिठाया। बटाविया, हॉलैंड के गणतंत्र को राजतंत्र में तब्दील किया गया। नेपोलियन ने अपने दूसरे भाई लुई को यहाँ का राजा बनाया। इसके बाद उसने जर्मनी का रूपांतरण किया, उसके छोटे छोटे जर्मन राज्यों को समाप्त किया, राइन राज्य संघ का निर्माण कर डाला और बवेरिया, बर्टेनबर्ग और जर्मनी के अन्य 14 राज्य सम्मिलित कर नए जर्मन संघ ने जर्मन सम्राट के प्रति अपनी भक्ति को त्याग कर नेपोलियन को अपना संरक्षक माना। पवित्र रोमन सम्राट को समाप्त कर दिया गया और पवित्र रोमन साम्राज्य लगभग 1,000 वर्ष से चला आ रहा था। जर्मनी की बहुत सी छोटी छोटी रियासतों पर वर्चस्व राइन राज्य संघ के निर्माण के बाद नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस को पवित्र रोमन सम्राट का पद त्यागने के लिए विवश कर दिया। जर्मनी में नेपोलियन के हस्तक्षेप से प्रशिया नाराज, क्योंकि वह जर्मनी का एक प्रमुख राज्य मौजूदा अर्थव्यवस्था से लाभ उठाया राज्य बढ़ाना चाहता था। नेपोलियन को पहले से ही प्रशिया पर भरोसा नहीं। जब प्रशिया ने युद्ध शुरू किया तो नेपोलियन पूरी तरह तैयार और जेना और आस्थांत के युद्धों में उसने प्रशिया को पूरी तरीके से पराजित किया और 25 अक्टूबर 1806 को एक विजेता के रूप में नेपोलियन राजधानी बर्लिन में प्रवेश किया। प्रशिया के शासक के विरुद्ध सख्त कदम उठाया गया, परंतु पहले रूस से निपटना आवश्यक। नेपोलियन रूस की तरफ बढ़ा। एलाउ के युद्ध में दोनों पक्षों में घमासान युद्ध, हजारों की संख्या में मारे गए सैनिक, युद्ध अनिर्णायक। फ्रीडलैंड के युद्ध में रूस बुरी तरीके से पराजित। 14 जुलाई 1808 को मेरिगो का विख्यात युद्ध, नेपोलियन ने रूस को निर्णायक शिकस्त दे डाली। रूस को विवश होकर टिलसिट की संधि करनी पड़ी और टिलसिट की संधि से नेपोलियन के उत्कर्ष की चरम सीमा थी। नेपोलियन ने अपनी शानदार कूटनीति के द्वारा क्रांति के एक प्रबल शत्रु को अपना मित्र बना लिया और दोनों ने यूरोप को आपस में बांट लेने का निश्चय किया। नेपोलियन ने रूस को फिनलैंड हड़पने की छूट दे दी और तुर्की साम्राज्य के कुछ क्षेत्रों को देने का भी आश्वासन किया। बदले में रूस ने नेपोलियन द्वारा अब तक के किए गए परिवर्तनों को एज इट इज स्वीकार कर लिया। रूस के जोर देने पर नेपोलियन ने प्रशिया के राजतंत्र को तो कायम रखा, परंतु उस पर कठोर शर्तें लाद दी। प्रशिया को एल्ब नदी के पश्चिम का अपना सारा क्षेत्र छोड़ना पड़ा और इस क्षेत्र के साथ जर्मन राज्यों के अन्य क्षेत्र मिलाकर वेस्टफेलिया नाम का एक नया राज्य बनाया गया और नेपोलियन ने अपने भाई जेरोम को इस नए राज्य का राजा बना दिया।
प्रशिया के पूर्वी भाग का कुछ क्षेत्र भी छीन दिया गया और इसे सैक्सनी राज्य को दिया गया। और इस प्रकार 2 वर्षों के भीतर ही नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया, प्रशिया, रशिया की शक्ति को चकनाचूर किया और यूरोप की कोई सेना अब उसका सामना नहीं कर सकती थी। अब केवल इंग्लैंड शेष रह गया था।